हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन टाइल्स एक्सपर्ट में आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आप जो ग्रेनाइट विंडो जो चौकट जो देख रहे हैं, इसकी कटिंग की जानकारी, इसके माइटर की, अब 45 डिग्री जो माइटर दोस्तों मारा हुआ है उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में है। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी है, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें ताकि मैं इसमें आपको जो जानकारी देने वाला हूँ आप तक के सही से पहुँचे। देखिए दोस्तों, मैंने जिसके जो मैटर जो मारा हूँ बहुत बारीक मैटर मारा हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो मैटर है जिसे आप कातरा भी बोलते हो, वो कितना बारीकी से मारा हूँ मैंने, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल दूंगा दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं एक ग्रेनाइट का थिकनेस लेके इसका माइटर का मार्किंग कर रहा हूँ। जैसे कि जर्नली जो आमतौर पे लिया जाता है ग्रेनाइट की थिकनेस कितना, अपन लोग जो माइटर मारते हैं, कातरा मारते हैं जिसे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया हूँ कि इतना बारीक जॉइंट, इसलिए इसका जो जॉइंट है इतना बारीक क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में बने रहे आप। जो मैं दोस्तों इसका जो कातरा जो मारता हूँ, मैं बार बार कातरा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कई की जगह की जो है भाषा के हिसाब से दोस्तों कई कातरा बोलते हैं, कई मैटर बोलते हैं, उस हिसाब से मैं दो दो बार इस्तेमाल किया हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं जो मैं मैटर मार रहा हूँ कॉर्नर मैटर, वो इतना बारीक क्यों आया है उसके दो कारण है दोस्तों। पहला तो आप जो ब्लेड देख रहे हैं, ये ब्लेड जीरो चिपिंग का ब्लेड है, जगुआर कंपनी का। आप कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो पर जीरो चिपिंग का होना चाहिए जिससे चिप ना उड़े। और काटे बाद दोस्तों मैं एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मिला के देखता हूँ सही से आया नहीं आया है। देखिए दोस्तों, इस तरह एक टुकड़ा लगा के चेक करें आप, आपको पता चल जाएगा आपका मैटर सही आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने एक पट्टी ऑलरेडी लगा चुका था मैं, इसलिए दोस्तों ये पहली पट्टी इसलिए नहीं बता पाया आपको कि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाती थी। दोस्तों मेरे चैनल पे आप जो भी नए जुड़ रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। बेल आइकन हिट करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। मैं इसी तरह की जानकारी देता हूँ दोस्तों वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, जो पट्टी जो मैं लगा रहा हूँ ये पट्टी 2.5 इंच की है, सॉरी 3 इंच की पट्टी है ये अंदर से जो लगा रहा हूँ मैं। और इस पर जो सामने जो दोस्तों एस पॉलिश है, पहली पट्टी मैंने ऑलरेडी गोले में खड़ा किया हूँ दोस्तों, उस हिसाब से दूसरी पट्टी का ढूंढा कर ले, वो भी गोले में ही आएंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, जितना ऊपर उतना ही नीचे, 45 ऊपर तो 45 नीचे। दूसरी पट्टी पे को आपको उस गोला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पहली पट्टी पर ही गोला चेक कर लें। ये देखिए टॉप की पट्टी है ये देखिए, ऐसा हल्का सा आप निशान भी मार सकते हैं अगर आपको कटर चलाने में अगर प्रॉब्लम होती है तो, हल्का सा एक निशान मार ले उसके ऊपर, उसके हिसाब से उसको कटिंग करें, बाद में उसको धीरे 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 घस के मिलाए, ना कि डायरेक्ट उसको कटिंग कर ले दोस्तों आप मैटर को। जैसे कि मैं जब भी विंडो या चौकट बनाता हूँ इसी तरह का मैटर मारता हूँ मैं हल्का सा काटता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा घस घस के उसको मिलाता हूँ ताकि पट्टी वेस्ट ना हो। देखिए दोस्तों, इस तरह से मिला लेता हूँ मैं, जॉइंट भी बारीक आ जाता है।
वही प्रोसेस दोस्तों ये साइड में आने वाला है जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। हल्का सा निशान मार लेता हूँ मैं, ये मेरा तरीका दोस्तों बनाने का। आप ये तरीके भी से बनाओगे तो भी आप सही बनाओगे, आपकी विंडो या चौकट जो भी बना रहे हो आप, ये फ्रेम आपकी सही बनेगी। देखिए इस तरह से इसका कातरा मार ले, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, हल्का काटने के बाद उसको दो तीन बार घिस के देखता हूँ सही आया नहीं आया, तो ही मैं उसको लगाता हूँ। दोस्तों ये पट्टी फिटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं इसका जॉइंट कितना बारीक आया है। देखिए इस तरह चेक कर ले आप, देखिए मैं जिस तरह फिटिंग कर रहा हूँ उसके हिसाब से उसको जॉइंट आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा आपको और करीब से दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों ये भी साइड और ये भी साइड, ये फोटो फ्रेम की पट्टी है। इसकी पट्टी जो है मैंने 2.5 इंच की लिया हूँ, 2.5 इंच की जितनी पट्टी है दोस्तों 2.5 इंच पे आप मार्किंग करें। आपको 45 डिग्री काटना है उसे, तो ये चौरस निशान मार ले दोस्तों, उसके हिसाब से इसका 45 डिग्री का मार्किंग ले ले आप। देख सकते हैं आप वीडियो में मैंने दोनों साइड पहले मार्किंग किया हूँ। ये जो बड़ी पट्टी है दोस्तों साइड में जो लगने वाली है उसके मैंने ऑलरेडी इनको काट के रखा था। इसका भी जॉइंट जो है मैंने एकदम बारीक रखा हूँ। दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है मुझे थोड़ा कमेंट करके बताते जाइए, ताकि मुझे पता चले दोस्तों आप तक जो मैं वीडियो पहुंचा रहा हूँ वो जो जानकारी जो दे रहा हूँ आपको सही से पहुंच रही है आप तक के। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, जैसे कि मैंने बोला हूँ कटिंग के लिए आप जो है मीटर वगैरह या 45 डिग्री का जब भी आप काम कर रहे हो तो 0 चिपिंग का ब्लेड इस्तेमाल करें। कोई भी कंपनी का इस्तेमाल 0 चिपिंग का जो ब्लेड होता है दोस्तों उससे फ़ायदा ये होता है कि वो चिपने उड़ाता है और उससे कटिंग जो है ना सही होती है। जैसे कि मैंने बताया कोई भी कंपनी का इस्तेमाल करें पर 0 चिपिंग ही इस्तेमाल करें। कातरा यार आपको जब 45 डिग्री का जब काम करना हो उसके लिए सही रहता है ब्लेड, परफेक्ट एकदम। दोस्तों ये 40 फ्रेम है पूरी, जैसे कि आपने देख लिया, बोले हमने आपको पट्टियाँ बताया हूँ अंदर की लगाते हुए। ये 40 फ्रेम की पट्टी है दोस्तों बाहर की, तीनों भी दोनों साइड के और एक ऊपर, ये यू टाइप लग रही है। वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों, और आप ऐसा फोटो फ्रेम को पहले तैयार कर ले दोस्तों बाहर। आप गुन्ने के तौर पर टाइल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने इस्तेमाल किया हूँ, पहले लेफ़्ट में रखा हूँ फिर राइट में रख के दोनों तरफ का गुन्ने चेक किया हूँ इसका। इस तरह फ़ोटो फ्रेम तैयार कर ले आप बाहर, आपको दिक्कत नहीं जाएंगे लगाने में। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो गुन्या करके जो रखा हूँ 2x2 की टाइल्स है वो गुन्या है मेरा अभी, उसके हिसाब से मैंने उसको रखा हूँ। आप देखिए यहाँ पे 45.5 यहाँ है दोस्तों, 45.5 आपको वहाँ मिलेगा। देखिए दोस्तों एक सूत भी इधर उधर न हुआ है क्योंकि मैंने इसे गुनिया में किया हूँ, और मैं बाहर की जो पट्टी लगा रहा हूँ दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको 2.5 इंच की पट्टी है, मैं एरो लाइट लगा के लगा रहा हूँ। वैसे तो वेबर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं फिटिंग के लिए, फिर भी इससे क्या होता है इससे डबल की पकड़ मिल जाती है अपने फ़ोटो फ्रेम को। मैंने इसकी जो धार है धार के ऊपर एरो लाइट लगाया हूँ पूरा,
ताकि इसकी जो डबल पकड़ जो है डबल की हो जाए, वेबर की भी हो रही है और एरोलेट की भी हो जाती है दोस्तों, फोटो फ्रेम में जो ना मजबूती आ जाएगी। थोड़ी सी धूप पड़ती है वहाँ पे, उस हिसाब से मैं उस पर एरोलेट भी इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा। दोस्तों अगर छाव की भी जगह रहती है आपकी जहाँ धूप नहीं पड़ती है, रोशनी नहीं पड़ती, वहाँ भी आप एरोलेट इस्तेमाल करें, ऐसा ज़रूरी नहीं जहाँ धूप पड़ती है वहाँ एरोलेट इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है पकड़ जो है डबल की मिल जाती है, दोनों साइड के पट्टे मैंने एरोलेट लगाया हूँ दोस्तों, पूरा वेबर में लगा रहा हूँ मैं, आपको वीडियो में बता नहीं पाया मैं उसकी वेबर की जो बोरी है कौन सी कंपनी का वेबर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ दोस्तों। मैं वेबर जो है डायमंड कंपनी का इस्तेमाल कर रहा था, वो आपको वीडियो में नहीं दिखा पाया, वो मिस कर दिया हूँ मैंने। और इसकी जो साइड की जो धार है दोस्तों, हमने एक विट्रीफाइड इतनी साइड की धार दबाए है, तीन सूत की धार जो हमने कंटिन्यू इसकी दबाए है साइड से, उसको कॉर्नर ना रखते हुए हमने साइड से पूरी धार चप्पस की है उसकी, दोनों साइड की पट्टियाँ और ऊपर की टॉप की पट्टी। और ऊपर की जो पट्टी लगाया वो भी उसमें भी एरोलेट लगाया हूँ मैंने दोस्तों। देख सकते हैं आप, अंदर बाहर दोनों तरफ से पट्टे हैं दोस्तों इसमें, ये फोटो फ्रेम है पूरी। ये देखिए टॉप की पट्टी है, इस पर एरोलेट लगा हुआ देख सकते हैं आप, वेबर में भी लगाया हूँ जैसा कि मैंने बताया हूँ आपको। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन हिट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आज आप तक मैं और अभी ऐसी वीडियो पहुंचाता रहूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।